हे वेलकम टू स्टोरी लेट्स टॉक अबाउट ब्यूटी एंड बीस्ट ये स्टोरी फिक्शनल नहीं है एक्चुअल में एक पर्सन था हु वॉज ट्रीटेड लाइक अ बीस्ट एंड देन ही मैरिड अ मैरिडीफुल लेडी एंड ये सिक्सटीन सेंचुरी में कुछ हुआ था इनकी लव स्टोरी देख के बाद में जाके एक राइटर ने इनकी कहानी लिखी एंड इसी कहानी से इंस्पायर होकर में जाके ब्यूटी एंड द बीस्ट का स्टोरी लिखा गया तो डिजनी का जो वर्जन था ना वो एक लव स्टोरी था एक लड़की होती है न, एक बीस्ट होता है बोथ ऑफ देम फॉल इन ला एंड जब वो लड़की बीस्ट को किस करती है तब द्रेक्स दर्स एंड बीस्ट एक हैंडसमैन में चेंज हो जाता है पर रियल स्टोरी ऐसी नहीं थी वो जो बीस था ना वो एक इंसान था थान जिससे उसकी शादी हुई वो लड़की को भी वो बिल्कुल नहीं पसंद था तो कहानी शुरू होती है स्पेन से 1537 के साल में पेट्रस कॉन्सोल्वर्स पैदा हुआ था उसे एक कंडीशन था नेमडास हाइपर ट्रिकोसिस इस वजह से क्या होता था कि पेट्रस के चेहरे पे कान में हाथ में पैर पैर ऐसी कई जगह पे जहाँ जनरली बाल नहीं आते हैं वहाँ सब बाल आने लगे पर ये एक मेडिकल कंडीशन है पर उस समय के लोगों को ये नहीं पता था उन्हें लगा ये लड़का कर्ज है या कोई टाइप का डीमन है जब वो छोटा था तब गांव वाले उसे बुरी तरीके से ट्रीट करते उसके अपियरेंस की वजह से उसका मजाक उड़ाया जाता पर पेटरस तो एक छोटा बच्चा था जो ये सब समझ नहीं पाता एंड लोगों की बातें सुन के रोता रहता जब वो दस साल का हुआ तब तक टाउन के लोग इतने ज्यादा स्टोरीज बना चुके थे उसके अराउंड कि उसे एक मेटल केज में डर के मारे रखा जाता एंड खाने के लिए रॉ मीट दिया जाता पेटरस डरा हुआ था इतनी छोटी उम्र में जब उसे प्यार एंड देखभाल की जरूरत थी तब उसे पेन झेलना पड़ रहा था फिर 1547 के साल में एक चीज की तरह पेट्रस को पैक किया गया शिप में फ्रांस भेज दिया गया ही सेंट एज अ गिफ्ट टू किंग हेनरी द सेकेंड सेरेमनी की खुशी में स्पेन वालों ने पेट्रस को फ्रांस भेज दिया पेट्रस जैसे ही फ्रांस पहुंचा उसे किंग हेनरी के सामने पेश करने से पहले वहां के डॉक्टर्स ये देखना चाहते थे कि ये डेमन कई किंग को हार्म तो नहीं करेगा तो उन्होंने उसे डंजन में जाके बंद कर दिया कई नीडल्स टोचे गए पेट्रस को ये देखने के लिए कि क्या इसकी स्किन नॉर्मल ह्यूमन जैसी है कि नहीं जैसे जैसे उस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए वैसे वैसे वहां के डॉक्टर्स को समझा कि ये एक इंसान ही है सिर्फ दिखता बीस्ट की तरह है एंड पेट्रस डॉक्टर्स से बात भी करता था इस वजह से उन्हें समझ गया कि ये एक इंसान है तो वो फिर इसे किंग हेनरी के पास लेके गए किंग हेनरी ने जब पेट्रस से बात किया तो उसके बाद ऐसे ही मजाक में ही है की इसे एजुकेशन मिलना चाहिए ये अभी छोटा है तो इसे भी पढ़ाओ किंग के इंटेंशन ये करने के पीछे जो भी रहे हो पर पेट्रस के लिए अच्छा ही हुआ बिकॉज इस वजह से वो लिटरेट बन पाया जैसे ही पेटरस ने पढ़ना शुरू किया उसने अलग अलग भाषाएं सीखी वो लैटिन में एक्सपर्ट हो गया इवन रॉयल एटिकेट्स भी उसने सीखे कि रॉयल कोर्ट में कैसे बैठना है कैसे बात करना है कैसे चलना है किंग हेनरी ने ये सब जब देखा तो वो पेट्रस से इम्प्रेस हुए जिस वजह से पेट्रस को रॉयल कोर्ट में भी जगह दी गई एंड क्योंकि उसे कई लैंग्वेजेस आते थे तो फ्रांस के कोर्ट में अगर कोई फॉरिनर आता तो पेट्रस के स्किल को यूज किया जाता कहीं ना कहीं कहा जाता है कि किंग हेनरी उसे पसंद करने लगे थे पर ये चीज की वजह से कोर्ट के दूसरे नोबेल पेट्रस से जलने लगे थे जब मौका मिलता उसके अपियरेंस का मजाक उड़ाया जाता उसे एक आदमी की तरह नहीं पर एक डीमन की तरह देखा जाता पर पेट्रस एक काइंड आदमी था जो पूरी लाइफ काइंडनेस एंड लव के लिए तरसता रहा पर उसे वो नहीं मिला जब तक किंग हेनरी जिंदा थे तब तक एटलीस्ट पेट्रस की जिंदगी थोड़ी बेहतर थी पर जब किंग हेनरी की मौत हुई तब थ्रोन गया उनकी वाइफ कैथरीन को कैथरीन एक ईविल क्वीन थी इतनी ईविल कि एक बार उसने क्या किया कि वो लोग जो उसके रिलीजियस बिलीफ से सहमत नहीं है उन्हें सबको इन्वाइट किया ये बोल के की अरेन्ज मैरिज है यहाँ आ जाओ तो ये इन्विटेशन मिलने के बाद कई लोग आए एंड सिर्फ वही लोग थे ये क्राउड में जिनका रिलीजन कैथरीन से अलग था एंड जैसे ही वो आए कैथरीन ने अपने लोगों को आदेश दिया कि उन्हें मार डालो स्ट्रीट्स पे खुले आम सैकड़ों लोगों को मारा गया तो जब कैथरीन क्वीन क्या बनी तो इस नए पावर के आने के बाद वो और भी ज्यादा क्रूएल हो गई उसने पीटरस को देखा उसके मन में ख्याल आया कि पीटरस के बच्चे हुए तो क्या वो भी इस तरह ही दिखेंगे एंड कैथरीन कहीं ना कहीं चाहती थी कि उसके बच्चे और वो उसकी तरह ही दिखे क्योंकि खुद के मनोरंजन के लिए वो पेटरस जैसे और भी लोग रॉयल कोर्ट में देखना चाहते थे सो दैट लोग उनको देख के हंस पाए इसलिए उसने क्या किया कि रॉयल कोर्ट में ना एक सर्वेंट थी जिसकी एक बेटी थी उसका भी नाम कैथरीन था वो काफी खूबसूरत थी रॉयल कोर्ट्स के जो नोबल मैन थे वो भी उससे अट्रैक्टेड थे पर क्वीन कैथरीन को ये चीज से जलन होता था इस वजह से उसने सोचा कि वो उस सर्वेंट की बेटी की शादी फिक्स कराएगी पेट्रस के साथ पर उसे बताया नहीं कि उसका हस्बैंड कैसा दिखता है एन उस जमाने में जैसे किंग्स एंड क्वीन्स अपने बच्चों की शादी बिना उनसे पूछे फिक्स कर लेते थे वैसे ही वो अपने रॉयल कोर्ट्स में जो सर्वेंट्स होते थे उनकी भी शादी का डिसीजन ले सकते थे बिना उनके परमिशन के तो क्वीन कैथरीन ने एक दिन उस लड़की को अपने कमरे में बुलाया एन उसे बोला कि वो उसकी शादी तय कर रही है इस इस दिन पे उसे रेडी होकर आज ब्राइड आना है तो क्योंकि क्वीन का आदेश था तो वो लड़की भी मान गई गए एन उसने हाँ बोला फिर आया शादी का दिन कैथरीन एज ब्राइड रेडी होके आ गई एंड जब उसने देखा कि उसके हस्बैंड का अपियरेंस वैसा नहीं है जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था तो उससे वो काफी नाखुश हुई उसे ये शादी नहीं करनी थी पर क्वीन ने बोला था तो वो मना कैसे करती इसलिए जबरदस्ती उसने शादी कर ली उसे पेट्रस शादी के बाद भी पसंद नहीं था वो उसे दूर ही रहती पर इवेंचुअली उसने देखा कि पेट्रस एक काइंड मैन है एंड उसके साथ कितना बुरा सलूक लोग करते हैं कैथरीन इसके बाद से पेट्रस का काफी ध्यान रखने लगी एंड देन अल्टीमेटली शी फेल इन लव विद है शायद पेट्रस का इंतजार यहाँ खत्म हुआ समवन वॉज देयर हु केयर फॉर हिम पेट्रस एंड कैथरीन को कुछ साल बाद दो बच्चे हुए दोनों बच्चे नॉर्मल थे उन्हें वो हेरी कंडीशन नहीं था पर उसके बाद और जो बच्चे हुए ना कैथरीन कैथरिन पेट्रस को उनमें से कई बच्चों को पेट्रस की तरह मेडिकल कंडीशन था उनके भी फेस एंड बॉडी के हर पार्ट में हेयर ग्रो होते थे इन टोटल उनको सात बच्चे थे जिनमें से तीन को कुछ नहीं था पर चार ये मेडिकल कंडीशन के साथ पैदा हुए थे रॉयल कोर्ट के जो लोग थे ना वो इन्हें ह्यूमन की तरह नहीं देखते बल्कि एक वाइल्ड फैमिली की तरह इन्हें देखते वैसे ही ट्रीट करते ये पूरे फैमिली को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भेजा जाता फॉर एंटरटेनमेंट रॉयल्स इन्हें देख के हंसते हैं इनको हाथ लगा के देखते हैं एज इफ कोई इंसान नहीं ऑब्जेक्ट है ये लोग पेट्रस एंड उसकी फैमिली को कभी बंदी तो नहीं बनाया गया पर कहीं ना कहीं उनके पास पूरा फ्रीडम नहीं था कि वो अपनी लाइफ के ले पाए क्वीन्स एंड किंग्स डिक्टेट करते जिस रॉयल कोर्ट में भेजा जाता वहाँ वो चले जाते सो so दैट लोग उन पे हंस पाए सोचो कितना पेनफुल होगा ये सब ऐसे ही करते करते इवेंचुअली पेट्रस एंड उसकी फैमिली इटली में रहने लगी वहाँ एक ड्यूक था जिसने पेट्रस को काम पे रख दिया पर वहाँ भी उसे इंसानों की तरह कम पर एक ऑब्जेक्ट की तरह एक्सप्लोर किया जाता ये ड्यू कितना था कि पेट्रस के जो चार हैरी बच्चे थे उन्हें उसने पेट्रस एंड कैथरीन से छीन लिया एन अलग कर लिया एन अपने अलग अलग नोबल फ्रेंड्स को आज गिफ्ट शिप करके भेज दिया जैसे पेट्रस के साथ हुआ था वैसे ही उसके बच्चों के साथ हो रहा था उसे केज में डाला जाता उन्हें भेजा जाता पेट्रस एंड कैथरीन रोते रहते पर उनकी किसने भी मदद नहीं की कहा जाता है कि पेट्रस एंड कैथरीन फोर्टीर्स तक मैरिड थे लाइफ के आखिरी दिन उन्होंने इटली में ही बिताए टाउन रजिस्ट्री के हिसाब से कैथरीन की मौत 1623 के साल में हुई एंड कहा जाता है कि पेट्रस के मरने के बाद भी एक इंसान की तरह उसे ट्रीट नहीं किया गया था इस वजह से उसको क्या हुआ कब उसकी मौत हुई कैसे हुई लोगो ने ये सब चीज कभी डॉक्यूमेंट नहीं किया क्योंकि वो उसे इंसान नहीं अंदानव समझते थे तो जैसे फेरी टेल्स में बताया जाता है कि बीस्ट वॉज कर्स्ट एंड ब्यूटी ब्रॉट हिम बैक एंड एंड में दे मैरिड एंड उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगे पर सोसाइटी इतनी क्रूअल थी कि उन्होंने पेटरस को बहुत पेन दिया एंड उसकी जो वाइफ कैथरीन थी ना वो इवन तो उससे प्यार करती थी पर शादी के कुछ साल बाद वो भी इस जिंदगी से थक गई थी एंड इस वजह से कहीं ना कहीं वो भी पेट्रस को ही इसका जिम्मेदार ठहराती एंड उसका जो प्यार था वो भी कम होता गया सो यार दैट सेट ये थी रियल कहानी ब्यूटी एंड द बीस्ट की डू लेट मी नो वट आर योर थॉट्स ऑन दिस एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन फॉलो अजन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस लाइक एंड शेयर करें और इसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक यू